हेलो दोस्तों, मैं अलीसगर जे इलेक्ट्रिकल रेलवे DFCCIL। तो मैं आज इस वीडियो में आप सभी को एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होता है उसका सैलरी स्लिप दिखाऊंगा एग्जीक्यूटिव का। तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल, सिविल और SNT तीनों में होता है। तो तीनों का सेम ही बेसिक होता है और सेम सैलरी बनता है। तो आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, इसमें जो इनका बेसिक होता है वो 30,000 होता है। तो 30,000 पर इनका सभी अलाउंस बनता है और 30,000 पर ही इनका पेमेंट बनता है। तो अभी जो हम सैलरी स्लिप दिखाएंगे इसमें जो है वो HRA नहीं ऐड किया गया है, और जो मोबाइल अलाउंस होता है वो 1,000 मिलता है एग्जीक्यूटिव को, तो वो अभी अलाउंस इसमें ऐड नहीं है क्योंकि इनका भी नया नया पोस्टिंग हुआ है तो इन्हें अभी नहीं मिल रहा है। तो जो सभी को बाद में ऐड करके एरियर दिया जाता है तो वो बाद में मिल जाएगा, तो इसमें अभी ऐड नहीं हुआ है। तो इसके अलावा जो सैलरी स्लिप होता है इसके अलावा भी अलाउंस बनते हैं, जैसे जो TA DA होता है वो बनता है। तो जब हम सेक्शन से 8 किलोमीटर से बाहर जाते हैं अपने पोस्टिंग स्टेशन से, तो उसके बाद TA DA बनने लगता है। तो TA DA जो बनता है, DA वो एक दिन का एग्जीक्यूटिव को 800 बनता है। अगर 12 घंटा आप रहते हैं सेक्शन से बाहर तो 800 बनता है, अगर उससे कम 8 घंटा से ज़्यादा रहते हैं तो उसमें 70% बनता है, 800 का 70% लगाते हैं, और उससे कम रहते हैं तो 30% बनता है। तो इस हिसाब से अलाउंस बनता है TA DA। तो ऐसे भी अगर सेक्शन से बाहर जाते हैं तो जितने दिन गए हैं उस हिसाब से इसका TA DA बनता है। तो ये इसका जो TA DA होता है हम लोगों को वो सैलरी स्लिप में ऐड नहीं होता है, इसका अलग से हम लोग बना के देते हैं तो उसका अलग से पेमेंट आता है। तो आइए आपको दिखाते हैं सैलरी स्लिप। तो ये सैलरी स्लिप है फरवरी मंथ 2023 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट इसलिए है क्योंकि ये सैलरी स्लिप पेमेंट आने से पहले निकाला गया है, तो इसलिए यहाँ पे ड्राफ्ट लिखा है। पेमेंट आने के बाद ये हट जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं इसमें कौन कौन सा अलाउंस बनता है। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हैं, इलाहाबाद ईस्ट पर पोस्टिंग है इनका, इलाहाबाद ईस्ट जो यूनिट है उनमें पोस्टिंग है इलेक्ट्रिकल। तो आप देख सकते हैं इसमें इनका जो मास्टर बेसिक है वो 30,000 है। DA रेट अभी जो चल रहा है DFCCIL में वो 37.20 है, तो अभी बढ़ता है तो ये बढ़ेगा अभी, तो अभी इतना ही चल रहा है 37.20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो बेसिक पे है वो 30,000 है, और DNS अलाउंस जो DA बन रहा है वही 37.20 जो 11,160 रुपया होता है, और जो हम लोगों का 35% अलाउंस बनता है DFCCIL में, तो ये 35% अलाउंस जो है वो सब जोड़ के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस अलाउंस, हाउस कीपिंग ऑल, प्रोफेशनल, यू एडुकेशन, रिक्रिएटिंग अलाउंस, स्पेशल, पर्सनल ऑल, तो ये सारा मिला के 35% होता है। तो ये सब एक ही साथ जोड़ दिया जाता है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे 4939 रुपये हो रहा है, और स्टाफ वेलफेयर कंट्रीब्यूशन 100 है। तो टोटल यहाँ पे जो इनका अर्निंग है वो 51,660 रुपया है, जो इसमें अभी 1,000 रुपये मोबाइल अलाउंस और जो 9% HRA मिलता है, तो 2,700 रुपये अभी ऐड नहीं हुआ है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल अर्निंग होगा वो 55,360 रुपये अप्रॉक्स इनका अर्निंग होगा टोटल, और कंट्रीब्यूशन जो होगा वो कंट्रीब्यूशन अगर हटा देते हैं इनमें तो आप देख सकते हैं इनके 51,660 से कंट्रीब्यूशन काटा गया है तो यहाँ पे 46,621 रुपया टोटल इनका पेमेंट आया है। तो इसमें अभी ऐड होगा HRA और जो मोबाइल अलाउंस है वो ऐड होगा, तो टोटल इनका अर्निंग 55,360 रुपये हो जाएगा, यानी 50 के अक्रॉक्स इनका 51,000 के आसपास पेमेंट बनेगा। तो आप देख सकते हैं यही है सैलरी स्लिप, और नीचे जो है इसमें लीव का दिया रहता है, LAP LHAP कितना लिए हैं उसके हिसाब से दिया रहता है। तो यही है, बहुत ही अच्छा पेमेंट है DFCCIL में आप देख सकते हैं। तो और इसमें इसके अलावा भी जो TA DA होता है वो सैलरी में ऐड नहीं होता है, वो अलग से हम लोग क्लेम करते हैं तो अलग से मिलता है, वो अलग से अकाउंट में आता है, सैलरी स्लिप में ऐड नहीं होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।